कोई भी बात हो चाहे कुछ भी हो रहा हो, कितनी खुशी हो कितनी कमी हो, जवाब जरूर देंगे। एक बार एक किसान के दो बड़द मर गए, बरसात कई हो, वो साथी ने बोला भाई रूका बड़द लेने पड़ेंगे, फुआरा चाल गया, दोनों चाल पड़े किसी पुरानी रिश्तेदारी में चले गए, आग दो उड़े खड़े पे छापा, दो बूढ़े मर रहे उड़े। राम रमी हुई वो बोले जी चोई साहब बेरा पट गया था, मारे दो बूढ़े मर गए। बोला ना जी हम तो बड़द लेने आए थे, मारे बड़द मर गए। बोला चलो नुकसान थारा भी हो गया पर मारा घना हो गया। बूढ़ा वाले बोले बोला ना जी नुकसान मारा हो गया, बड़द वाले बोले मारे बात है। बोला क्यों मारे तो दो बूढ़े मर गए। बोला ऊत का ऊत थारे बूढ़े मर गए फूक गए, तुमने खरीदने हमें तो खरीदने पड़ेंगे। तो चाहे किसाए कुछ हो रहा हो जवाब जरूर मिलेगा। कॉलेज का डीपी बैठे इतना डीपी साहब यहाँ तले पाले बारखा कटवा दे, कॉलेज का डीपी स्कूल का पीटीआई इनका न्यारा है रुतबा हो है। और हमेशा धाक जमाने की कोशिश करा रहे, कभी ना कभी जोर आजमाइश करते कभी कभी मेरी धाक जमी है। एक पीटीआई का नया नया ट्रांसफर हो गया स्कूल में आते हेडमास्टर ने बोला हेडमास्टर साहब वो एक काम जो किस्से के बस का ना हो मैंने बता दियो मैं कर दिया। हेडमास्टर सोच साच के बोला भाई ये पांच छह काम चारों तरफ है इनके बालक लेट आवे हैं और इतने बहाने बाज से काबू में ही आते लेट आवे ही आवे। अगले दिन बैंट लेके परेर में खड़ा होगा कहने जो बालक लेट आते गए उन्हें फालन करता का एक लाइन बनवा ली लंबी। पहला बालक बुला लिया भाई पीछे आवाज नहीं है, हेलो भैया प्लीज लंबी लाइन बनवा ली। पहला बालक बुला लिया आजा भाई लेट क्यों आया। बोला जी मारी भैंस ब्याह थी चार बैंस बारह बोला पांच चार भैंस रोज ब्याह से नहीं तो मैं रोज से लेट आऊं। दूसरा बोला तू क्यों लेट आ रहा है। बोला जी मारा ट्रैक्टर खराब हो गया पांच बैंस उसके मारे। बोला मारे पांच चार ट्रक खराब हुए पांच चार ट्रैक्टर खराब हुए नहीं तो मैं रोज से लेट आऊं कार मारी खराब हो जाए लेट कभी नहीं होता। वो बालक जो जो बहाने बनाओ उससे चार गुना बता दे पीटीआई वो मान का मारा पांच छह सी एक हजार जीजा खड़ा था उद्देश्य सोच गया इतनी देर में बहाना। बोला भाई तू क्यों लेट आया। बोला साची बताऊं जी रात ने मेरी बेबे बाज गई टुक्कर में मेरी चार बाज गई। एक अति कंजूस बूढ़ा भोखा पे आके राजी नहीं लाख लाने साहब किचन है और मेन रोड पे मेन जगह पे चौराहे के ऊपर दरवाजा भोखा नहीं पे आओ किचन मेरे जी से एक रात चलता आ गया ताऊ राम राम भाई राम राम ताऊ भोखा पीवांगे भाई भरवावांगे पहले पानी पी ले दस पंद्रह मिनट बाद देख के बोला ताऊ भोखा भाई भरवावांगे छोरी तमा खुले जा रही आ जाएगी। दस पंद्रह मिनट बाद देख के उसने समझाने जाना था चला गया अपने बाट देख के। तीसरे दिन उल्टा आया सोचे के लिए उस दिन तो चुप लागी इस बूढ़े दरवाजे हो का पी ले फिर दरवाजे हुए बात हुए राम रामी सारी बात बूढ़े ने पछाने को नहीं कि वो आदमी है वो ये बात बोला था वो होका पीवाए भरवा के भाई छोरी तमाकू लेने जा रही है बाट थोड़ी देख के बोला वो होका पीवाए बोला छोरी तमाकू लेने जा रही है आ जाएगी भरवा देंगे। बोला था छोरी बालक से कदे ना आवे कि खूबी हो बोला ना भाई दा जवान छोरी है देखेता हूँ मैं तो काग लगा मैं पी लूंगा पर जवान छोरी का तीन तीन दिन घर से बाहर रहना ठीक हो जाएगा। चलिए कुछ लाइने अपनी लिखी हुई थोड़ी सी बात काम की सुना सुना एक अलग बात है। साथी से घायल सैनिक बोला एक अंतिम बात मन में आती के देश पर खुद को किया निछावर लिखना मेरे घर पाती। साथी से घायल सैनिक बोला कि अंतिम बात मन में आती देश पर खुद को किया निछावर लिखना मेरे घर पाती माँ को लिखना ना दूध लजाया ताकि फूल उठे उसकी छाती। माँ को लिखना ना दूध लजाया ताकि फूल उठे उसकी छाती लिखना पत्नी को जो मुझे देखकर थी हंसती और मुस्काती के शहीद के बेटे को पाले गर्व से शहीद के बेटे को पाले गर्व से रहे वीरता सिखलाती लिखना पिता को कि देश पे मिट गए ये उसने ही सिखलाया था
मर मिटना न पीठ दिखाना उसने ही समझाया था। और इतिहासों में मर मिटेंगे ना दूध ले जाएंगे इतिहासों में लिखवा देना हर दिवाली को शहीद के नाम का दीपक एक जला देना, हर दिवाली को शहीद के नाम का दीपक एक जला देना। आजाद भाई ने जिक्र किया था हमारे बहुत अच्छे अच्छे कवि हुए हैं, पंडित लक्ष्मीचंद, मांगेराम, बाजे भगत, रामकृष्ण व्यास, धनपत सिंह, जो हिंदी के प्रोफेसर हैं उनके लिए डॉक्टर बुद्ध देवाड़िये जैसे विद्वान, पंडित जगत नारायण जैसे, भानुवार जैसे विद्वान बैठे हैं यहाँ। हमारा जो लोक साहित्य है, दो मिनट लूंगा बस, हमारा जो लोक साहित्य है वो किसी भी साहित्य से कम नहीं है, हिंदी के साहित्य से मैं कहता हूँ श्रेष्ठ साहित्य है। वो किस तरह से कि हिंदी के साहित्य में इस तरह की रचना नहीं मिलती जो हमारे लोक कवियों ने सांगियों ने लिखी थी। दो तीन रचनाएं छोटी छोटी दो दो लाइन की, जिसको हिंदी वाले निरोष्ठक चंद कहते हैं और सांगी अदर चंद कहते हैं। कैसे भला, सुई लगा के गाते थे हमारे भाई पीछे, डॉक्टर साहब निकले तो देखिए सुई रख के किस तरह से गाते थे। दीना नाथ देश दाता तने न्यायकारी नर नाक है, अदर अनादि हर्ता करता निराकार साकार कहे, नर की देह धारण करके कारण करता है जग का, गलत नहीं तेरे ते सारा कारण सरता है जग का, कारण करता है जग का तने इसीलिए जगतार कहे, दीना नाथ देश दाता तने न्यायकारी नर नाक। ये थी रचनाएं। एक आखिरी निरोष्ठक छंद, एक ही अक्षर की पुनरावृत्ति होगी बार बार और निरोष्ठक आदर छंद है। होश नहीं मिलते, हिंदी के साहित्यकार जानते हैं निरोष्ठक छंद क्या होता है, तो होश नहीं मिलते। देखिए नए अक्षर आएगा इसमें बार बार, नारायण निराकार निरंजन निरंतर न्याकारी, नटखट निंदक नहीं निगाते नास्तिक नारी। कटारिया जी, राजीव जी, नारायण निराकार निरंजन निरंतर न्यायकारी, नटखट निंदक नहीं निगाते नास्तिक नरनारी, नजरदार निश्चिंत निसंदेह निष्क्रिय निस्तारा, नाज नजाकत नाच निराले नाच नाच नारा, नट 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 नगा निगाड़ा निन्ना धिन्ना नारी, नटखट निंदक नहीं निगाते नास्तिक नरनारी। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद चैल साहब। और अब बिना किसी विलंब के कोड वी, कोड वी और इसके बाद